हे गाइस, आज के इस वीडियो में आपको न्यूट्रल वायर के बारे में बताने वाला हूँ। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप जिस भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आपको न्यूट्रल वायर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकली आखिर ये न्यूट्रल वायर क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम लोगों को करना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो न्यूट्रल वायर है, ये एक रेफरेंस पाथ है किसी भी सर्किट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब तक हम किसी भी सर्किट को क्लोज पाथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक उससे जो है करंट फ्लो नहीं होती है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि ये जो न्यूट्रल वायर है, ये एक क्लोज पाथ जो है पूरा कंप्लीट करती है, और तभी जो है कोई भी सर्किट जो है एसी करंट पे वर्क कर पाती है। गाइस, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी भी अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का यूज़ होता है। थ्री फेज हो गया हमारा RYB और जो फोर्थ वायर जो बचता है वो होता है हमारा न्यूट्रल। तो आप इलेक्ट्रिकल के जितने भी पैनल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें जो है कंट्रोल सर्किट के लिए ये न्यूट्रल का यूज़ हम लोग करते हैं सिंगल फेज के साथ। गाइस, अगर आप इंडस्ट्री में जो भी न्यूट्रल का कनेक्शन देखोगे तो उस न्यूट्रल को जो है हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ये ग्राउंडिंग करने का रीज़न गाइस ये है कि सपोज़ मान लीजिए किसी भी कारण हमारा फेज और न्यूट्रल में अगर करंट शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस शॉर्ट सर्किट के दौरान जो भी हाई करंट फ्लो होगा उस न्यूट्रल वायर से, तो वो न्यूट्रल वायर क्या करेगा, उस करंट को ग्राउंड कर देगा एज ए लो रेजिस्टेंस पाथ। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे उस पैनल पे जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगा हुआ है वो इक्विपमेंट जो है डैमेज नहीं होगा। अब गाइस, आप अगर कभी भी न्यूट्रल और हमारा जो ग्राउंड किया हुआ है उसके बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे तो वो जो है हमेशा 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर वो 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो आपका ग्राउंडिंग जो है सही से नहीं हुआ है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये न्यूट्रल का इस्तेमाल कौन कौन से जगह में इंडस्ट्री में मेन किया जाता है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल वायरिंग के लिए, पैनल में जो भी कंट्रोल वायरिंग होते हैं वहाँ पर हमें जो है एक न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। दूसरा हो गया जितने भी लाइटिंग पर्पस है उसके लिए हमें जो है न्यूट्रल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गाइस, ये दो ही मेन जगह है जहाँ पर हम लोग न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, मेरा FB पे एक पेज है जहाँ पर आप अगर उसमें ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके पेज को ज्वाइन कर लीजिए, सारा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।